हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है और हमारे एक व्यूअर हैं जिनका सवाल है। अब व्यूअर जो है इन्होंने पूछा क्या है उसको देख लेते हैं। इन्होंने पूछा है कि सर ये टोटल एंड एवरेज एड कराया, रन करा, पॉपअप आ रहा है इंटर पैरामीटर वैल्यू टोटल, यानी पैरामीटर वैल्यू मांग रहा है, तो पैरामीटर वैल्यू क्यों मांगता है और इस तरह की चीजें क्यों होती हैं एक्सेस के अंदर, आज उसको देखेंगे। ठीक है, यहां पर एक्सेस का यहां पर 365 में यूज कर रहा हूं, अगर आप 2007 भी यूज करते होंगे तो तरीका लगभग सेम ही है। ठीक है, यहां पर मैं कोई भी कैलकुलेटेड डेटा टाइप नहीं लूंगा, हालांकि इसमें कैलकुलेटेड डेटा टाइप की सुविधा है लेकिन मैं लूंगा नहीं इसमें। तो यहां एक्सेस को ओपन करा है मैंने, देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन हो रहा है, ये एक्सेस का 365 वर्जन है। ठीक है, और यहां पर ब्लैंक डाटाबेस पे जाएंगे, और जैसे ही ब्लैंक डाटाबेस पे जाएंगे तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे। आप चाहे तो डेटाबेस का नाम बदल सकते हैं, और यहां से व्यू पे जाना है और डिजाइन व्यू पे आ जाना है, और यहां पर टेबल का नाम देना है। ठीक है, तो यहां पर कोई भी टेबल का नाम दे सकते हैं, जैसे कि यहां पर हम दे देते हैं रिजल्ट, RESULT, ये रिजल्ट दे दिया हमने और एंटर कर दिया, तो यहां पर आईडी आ रहा है। तो ये सपोज कीजिए कि स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, तो यहां पर हमने कर दिया ROLL_नंबर। ठीक है, तो NO लिख दिया है। ठीक है, और इसे हमने डेटा टाइप क्या रखा है, ऑटो नंबर रखा है। यहां पर देख सकते हैं ये डेटा टाइप क्या है, ऑटो नंबर है, आप चाहे तो नंबर कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर आएगा नेम ऑफ स्टूडेंट, तो यहां कर देते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो यहां पे स्टूडेंट का नाम आएगा, तो जो भी स्टूडेंट का नाम आएगा वो यहां पर हम टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। डेटा टाइप क्या लिया है इसमें, शॉर्ट टेक्स्ट लिया है। बाकी अब आ जाते हैं कहां पर, नीचे आ जाते हैं, यहां पर अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स आएंगे, तो यहां पर कर देते हैं हिंदी HINDI। ठीक है, और यहां पर फिर कर देते हैं मैथ्स MATHS, मैथ्स हो गया। फिर यहां पर आते हैं तो यहां पे क्या कर देंगे, यहां पे कर देंगे इंग्लिश ENGLISH, इंग्लिश हो गया। और फिर यहां पर आते हैं तो क्या कर देंगे, यहां पर कर देंगे हम SST, तो ये SST हो गया। फिर यहां पर आते हैं तो क्या करेंगे, यहां पर हम कर देंगे साइंस SCIENCE, साइंस हो गया। तो इस तरीके से देख सकते हैं चार पांच सब्जेक्ट के नेम हमने एंटर करवा लिए हैं। ठीक है, और यहां से इसे क्या करेंगे, नंबर डेटा टाइप बनाएंगे, और इसे भी क्या करेंगे, नंबर डेटा टाइप बनाएंगे, और यहां से इसे भी क्या करेंगे, नंबर डेटा टाइप बनाएंगे। यानी कि जितना भी सब्जेक्ट में मार्क्स हमें एंटर करना है उसे हम नंबर डेटा टाइप ही बना लेंगे। ठीक है, और बना लेने के बाद यहां पर टोटल हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका भी डेटा टाइप हम क्या रखते हैं, यहां पर हालांकि हमें कैलकुलेटेड की सुविधा मिलती है लेकिन फिर भी मैं यहां पर नंबर ही डेटा टाइप रखता हूं। और यहां पर अब एवरेज, तो ABERAGE एवरेज हो गया, और इसे भी मैं क्या करूंगा, कैलकुलेटेड ना रख करके, देखिए यहां पे कैलकुलेटेड भी है लेकिन मैं कैलकुलेटेड ना रख करके नंबर ही रखता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहां से व्यू पे क्लिक करके यस कर देंगे तो ये हमारा जो है टेबल बन करके तैयार हो गया रिजल्ट के नाम से। अब यहां पर स्टूडेंट के नाम आएंगे, जैसे स्टूडेंट का नाम मान लीजिए है, सपोज कीजिए सचिन SACHIN, ये लिख दिया। फिर यहां पे मार्क्स आएंगे, तो ये आउट ऑफ 100 में डाल रहा हूं, यानी 100 में कितने नंबर आए हैं वो मैं यहां पे डाल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आउट ऑफ 100 मार्क्स यहां पे हमने दे दिया लेकिन टोटल अभी आ नहीं रहा है। ठीक है, फिर इधर आते हैं, दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करते हैं, लेकिन रोल नंबर ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि हमने डेटा टाइप क्या लिया था, ऑटो नंबर, तो 1 से ये चालू करेगा। ठीक है, तो यहां पर अगले स्टूडेंट का नाम है रितेश RITESH, तो ये रितेश लिख दिया। यहां पर आएंगे, यहां पे मार्क्स आएंगे, तो जो भी मार्क्स हैं वो यहां पे आए इस तरीके से देख सकते हैं, और यहां पर ये हमने एंटर कर दिया। और यहां पर टोटल और एवरेज नहीं आ रहा है क्योंकि हमें एक क्वेरी लगानी है तब ये आएगा। ठीक है, देखिए यहां पर तीसरा स्टूडेंट का नाम भी एंटर करता हूं, सिद्धि। ठीक है, तो ये स्टूडेंट का नाम हो गया, और यहां पर मार्क्स एंटर करेंगे तो यहां पर मार्क्स जो है देख सकते हैं, यहां पर मैं एंटर करके आपको दिखा रहा हूं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये एंटर कर दिया हमने, और यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर ये टोटल और एवरेज अभी भी नहीं आया है। तो इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको लाने के लिए हम क्वेरी बनाएंगे, तो पहले तो इसे क्लोज करेंगे, तो यहां से सेव करके क्लोज कर देंगे, और क्वेरी बनाने के लिए क्रिएट पे जाएंगे और क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे। जब क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे तो ये रिजल्ट वाली टेबल को ड्रैग करके यहां लाना होगा, और ये सारे ही फील्ड्स हमें लेने होंगे, तो ये सारे ही फील्ड्स हमने ले लिए, यहां पर ड्रैग करके हम इसको लेके आए हैं। और यहां से आप देख सकते हैं इधर की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो आप देखिए यहां पर आप देखेंगे कि टोटल तक ही आया हुआ है, तो यहां पर टोटल हमें कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यहां पर मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए ध्यान से, यहां पर टोटल को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले कॉलन लगाइएगा,
ये दो पॉइंट जो है कॉलन के नाम से जाना जाता है कंप्यूटर साइंस में, और यहां पर अब अलग अलग सब्जेक्ट के नाम आएंगे, तो स्टार्टिंग किस सब्जेक्ट से हुआ ये देखना पड़ेगा, ठीक है, स्टार्टिंग किस सब्जेक्ट से हुआ ये देखना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए हिंदी है, फिर मैथ्स है, इंग्लिश है, तो यहीं से स्टार्टिंग हुई है, तो हम भी यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए पहले कर देते हैं हिंदी, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिएगा ऐसे HINDI, ये हो गया हिंदी, प्लस का निशान लगाइएगा, फिर यहां पे लिखिएगा इंग्लिश ENGLISH, इंग्लिश हो गया, फिर प्लस का निशान लगाइएगा, फिर यहां लिखिएगा MATHS, मैथ्स, फिर प्लस का निशान लगाइएगा, और जो अगला सब्जेक्ट है इंग्लिश वो दे दीजिएगा। तो यहां पे इंग्लिश तो ऑलरेडी हम दे चुके हैं, तो हिंदी दे चुके हैं, इंग्लिश दे चुके हैं और मैथ्स दे चुके हैं, और यहां पर जो है SST कर देते हैं, तो ये हो गया SST, ठीक है, बंद किया, यहां पे प्लस का निशान लगाया हमने, और यहां पर साइंस दे देते हैं SCIENCE, ठीक है, तो यहां पे साइंस कर देंगे, और साइंस करने के बाद SCIENCE, ये साइंस हो गया, प्लस का निशान लगाएंगे, और यहां पर अब देखिए कुल कितने सब्जेक्ट हुए, पांच हो गए, 1 2 3 4 5, तो बस हो गया, अब हमें आगे तो प्लस करना ही नहीं है, यहां से ओके कर दीजिएगा, ये आपका ऐड करके दे देगा सारे नंबर्स को, ठीक है। और यहां पर अगर आप गलती करेंगे, जैसे मान लीजिए अब जो मेन गलती होती है उसको समझते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैथ्स है, हिंदी है, जो भी सब्जेक्ट है, जब हम टोटल करेंगे ना उस समय हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्या प्रॉब्लम होगी उसको देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर टोटल ही करने जा रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल पे आए, हम क्लिक किया, कॉलन लगाया, यहाँ पे हम इसे मैं जूम व्यू पे भी ले लेता हूँ, ये देखिए ये जूम व्यू पे आ गए हम, और यहां पर हम क्या करेंगे, एक एक सब्जेक्ट का नाम यहां पर, जैसे मान लीजिए हमने कर दिया यहाँ पे मैथ्स MATHS मैथ्स, ये सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जो है पहले पे मैथ्स आया है तो आपको मैथ्स ही लिखना है, ये सीक्वेंस आप इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम सीक्वेंस से ही लिखेंगे, शायद मन में आपके डाउट हो कि शायद सीक्वेंस से कोई प्रभाव पड़े, तो हम सीक्वेंस से ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर क्या है, हिंदी है, तो HINDI हिंदी कर देंगे पहले, और जिस लेटर में है उसी लेटर में आपको टाइप करना है, ठीक है, तब तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हिंदी हो गया, प्लस का निशान लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, फिर है मैथ्स MATHS, तो मैथ्स में एस जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर हमने एस छोड़ दिया तो देखिए क्या आएगा, प्लस का निशान लगाते हैं, फिर यहां इंग्लिश लिखते हैं ENGLISH, इंग्लिश, ठीक है, और फिर इसको क्लोज करके प्लस का निशान लगाइए, फिर यहां पर क्या करना है SST, तो SST हो गया, और SST भी जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये जो भी रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसे रखते हैं, प्लस का निशान लगाते हैं, और प्लस का निशान लगाने के बाद क्या करना है, साइंस SCIENCE, साइंस हो गया, क्लोज किया, ठीक है। तो ये कितने सब्जेक्ट हुए, पांच सब्जेक्ट हो गए, मैथ्स में हमने गलती करी है, ओके करेंगे, और जैसे इसको रन कराएंगे तो यहां पर ये इंटर पैरामीटर वैल्यू मांगेगा, ठीक है, ये दिक्कत है आपको, और ये दिक्कत तब सुधरेगी जब आप सही से एंटर करेंगे, जो डेटा आपने लिया है वही एग्जैक्ट डेटा एंटर करना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये पैरामीटर वैल्यू मांगेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कैसे करेंगे, तो यहां पर मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए ध्यान से, यहां पर टोटल को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले कॉलन लगाइएगा, ये दो पॉइंट जो है कॉलन के नाम से जाना जाता है कंप्यूटर साइंस में, और यहां पर अब अलग अलग सब्जेक्ट के नाम आएंगे, तो स्टार्टिंग किस सब्जेक्ट से हुआ ये देखना पड़ेगा, ठीक है, स्टार्टिंग किस सब्जेक्ट से हुआ ये देखना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए हिंदी है, फिर मैथ्स है, इंग्लिश है, तो यहीं से स्टार्टिंग हुई है, तो हम भी यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए पहले कर देते हैं हिंदी, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिएगा ऐसे HINDI, ये हो गया हिंदी, प्लस का निशान लगाइएगा, फिर यहां पर लिखिएगा इंग्लिश ENGLISH, इंग्लिश हो गया, फिर प्लस का निशान लगाइएगा, फिर यहां लिखिएगा MATHS, मैथ्स, फिर प्लस का निशान लगाइएगा, और जो अगला सब्जेक्ट है इंग्लिश वो दे दीजिएगा। तो यहाँ पे इंग्लिश तो ऑलरेडी हम दे चुके हैं, तो हिंदी दे चुके हैं, इंग्लिश दे चुके हैं और मैथ्स दे चुके हैं, और यहां पर जो है SST कर देते हैं, तो ये हो गया SST, ठीक है, बंद किया, यहाँ पे प्लस का निशान लगाया हमने, और यहां पर साइंस दे देते हैं SCIENCE, ठीक है, तो यहाँ पे साइंस कर देंगे, और साइंस करने के बाद SCIENCE, ये साइंस हो गया, प्लस का निशान लगाएंगे, और यहां पर अब देखिए कुल कितने सब्जेक्ट हुए, पांच हो गए, 1 2 3 4 5, तो बस हो गया, अब हमें आगे तो प्लस करना ही नहीं है, यहां से ओके कर दीजिएगा, ये आपका ऐड करके दे देगा सारे नंबर्स को, ठीक है। और यहां पर अगर आप गलती करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने कहीं ब्रैकेट छोड़ दिया, कहीं कुछ गलती कर दी, कहीं कुछ गलती कर दी, तो दिक्कत करेगा ये, ठीक है। जैसे मान लीजिए ब्रैकेट ही छोड़ दिया हमने और इसको रन कराने जाएंगे ना, तो ये रन नहीं होगा, देखिए यहां पर ये बताएगा कि आपने ब्रैकेट छोड़ दिया है, ठीक है, तो ये सब गलतियां मत कीजिएगा, ठीक है।
और यहां पर इसे क्लोज कर दिया, और क्लोज करके एवरेज के पास आएंगे तो यहां पर देखिए ये जूम पे लेता हूं इसे, और यहां पर अब एवरेज कैलकुलेट करना है। तो टोटल में ही हमारा एवरेज छिपा होगा, तो टोटल को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, तो कितने सब्जेक्ट हैं, 5 हैं, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो बस इतना काम करते ही यहां क्वेरी को रन करा देना है, और रन कराते ही आप देखेंगे कि आपका टोटल और एवरेज दोनों ही कैलकुलेट होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पे देख सकते हैं टोटल भी आया हुआ है और एवरेज भी आया हुआ है, देख सकते हैं ना। अब आपको करना क्या है, खाली स्टूडेंट का नाम एंटर करना है, रोल नंबर तो ऑटोमेटिक एंटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगला नाम लिख दिया हमने, और यहाँ पे इनके जो मार्क्स आए हैं वो मार्क्स यहाँ पर एंटर करवाते जाइए। आउट ऑफ 100 ये मार्क्स हैं, ये ध्यान दीजिएगा कि ये नंबर कितने में है, 100 में से ये नंबर मिले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल और एवरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है, देख रहे हैं। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट तब होगा जब आप सब कुछ सही से करेंगे, अगर गलती करी तो यहां पर पैरामीटर वैल्यू मांगेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपने गलती करी तो पैरामीटर वैल्यू मांगेगा, ठीक है।